जय जिनेंद्र, मैं अभिनंदन आत्मा चैनल पर प्रसारित धार्मिक व सामाजिक समाचार देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। उत्तर भारतीय प्रवर्तक प्रज्ञा महर्षि महाश्रवण पूज्य गुरुदेव श्री सुमन मुनि जी महाराज की आज्ञा, उपरिवर्तनी सरलमना महाराज की आज्ञा, उपरिवर्तनी गुरनी मैया श्री शशिकांत जी महाराज की शिष्य, उपरिवर्तनी गुरनी मैया जी मीना जी महाराज की शिष्य, मधुर वक्ता साध्वी जी श्री चेलना जी महाराज, सेवा भावी साध्वी श्री सुभद्री पिंकू जी महाराज आदि थाना जीटी रोड सहनेवाल जितेंद्र जैन के घर प्रवचन और पाठ किए। उत्तर भारतीय प्रवर्तक प्रज्ञा महर्षि महाश्रवण पूज्य गुरुदेव श्री सुमन मुनि जी महाराज की आज्ञा, उपरिवर्तनी सरला मना गुरना मैया श्री शशिकांत जी महाराज की शिष्य, उपरिवर्तनी गुरनी मैया जी मीना जी महाराज की शिष्य, मधुर वक्ता साध्वी श्री चेलना जी महाराज, सेवा भावी साध्वी श्री सुभद्री पिंकू जी महाराज आदि थाना जीटी रोड सहनेवाल जितेंद्र जैन के घर प्रवचन और पाठ किए। लोगों ने पाठ और प्रवचन सुनकर अपना जीवन सफल बनाया और गुरुओं का आशीर्वाद ग्रहण किया। मैं श्री वृद्धि चंद मुलाना वालों का सपुत्र जिनेंद्र जैन आज हमारे लिए बड़ी सौभाग्य और खुशी का दिन है कि सुश्री चेलना जी महाराज और उनकी सुशिष्य ने हमारी विनती यहाँ पधारने के लिए, हमारे घर पधारने के लिए स्वीकार की और हमारे घर को पवित्र किया और यहाँ पे प्रवचन किया और हमें धर्म लाभ दिया और हमारे बच्चों को धर्म के बारे में बताया, जिससे इनके अच्छे संस्कार आने वाले टाइम में उज्ज्वलित होंगे। और हम महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले टाइम में आगे भी हमें ऐसे ही धर्म लाभ देते रहें और हमारे बच्चों को धर्म की सुशिक्षा देते रहें और हमारे ऊपर ऐसे ही इनकी कृपा बनी रहे। उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव महाश्रमण प्रज्ञा महर्षि पूज्य गुरुदेव श्री सुमन मुनिजी महाराज, मम हृदय सम्राट उपरिवर्तनी महासाध्वी गुरुणी मैया श्री शशिकांता जी महाराज की सुशिष्या, उपरिवर्तनी गुरुणी मैया महासाध्वी श्री मीना जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री चेलना जी महाराज, साध्वी श्री सुवृद्धि जी महाराज थाने दो प्रवर्तक श्री जी के दर्शन करके हम डाबर रोड पे गोयल साहब के घर पे आए और आज वहाँ से बिहार करके सुबह 5:30-7 जिनेंद्र जी के यहाँ पे निवास स्थान पे पहुँचे और यहाँ आकर के बहुत सुंदर अच्छे ढंग से इन्होंने व्याख्यान करवाया। व्याख्यान सभा के अंदर बड़ी अच्छी रौनक थी और जिनेंद्र जी ने सभी भक्तों का आदर मान सत्कार किया। चाय पानी नाश्ते का इन्होंने प्रोग्राम रखा हुआ था, बड़ी सेवा की। बहुत ही अच्छे लोग हैं, जो भी श्रमिक श्रमणी यहाँ पर आते हैं ये परिवार सेवा के अंदर जुटा रहता है और इतनी सेवा करते हैं कि श्रमण श्रमणी यहाँ से प्रसन्न होकर के जाते हैं। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अरविंद सराहना की रिपोर्ट। लुधियाना में महावीर महिला शाखा की तरफ से सिविल लाइन जैन स्थानक में राशन वितरण का समारोह आयोजन किया गया। इस मौके पर बेसहारा गरीब महिलाओं को राशन वितरण किया गया। लुधियाना में महावीर महिला शाखा की तरफ से सिविल लाइन जैन स्थानक में राशन वितरण का समारोह आयोजन किया गया। इस मौके पर बेसहारा गरीब महिलाओं को राशन वितरण किया गया। आयोजकों ने बताया कि इस राशन वितरण का लाभार्थी परिवार अभेज राज जी, मंजू जी सिंगी परिवार वाले रहे। उन्होंने अपने पौत्र के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया और उनकी संस्था समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करती रहेगी। भगवान महावीर के शुभ उपदेशों के साथ ही हमारी महिला शाखा राशन वितरण का काम करती है। हम ये राशन वितरण उन परिवारों को देते हैं जिन परिवारों में कोई कमाने वाला नहीं है, जिनका कोई सहारा नहीं है, ये हम उनको देते हैं। और हमारे महिला शाखा के जितने भी मेंबर हैं सब इसके सदस्य बने हुए हैं और सब मेंबरों की तरफ से ये राशन वितरण होता रहता है। लेकिन
इस राशन वितरण में हमारे विशेष लाभार्थी भी होते हैं और आज का जो राशन वितरण है इसका विशेष लाभ ले रहे हैं हमारे अभयराज जी और मंजू जी सिंघी। इनके पौत्र परिषित सिंघी का जन्मदिन और उनकी मम्मी नेहा सिंघी और पापा अभिषेक सिंघी, इनके पूरे परिवार की तरफ से आज ये लाभ लिया जा रहा है। मैं कहना चाहूँगी ये सिंघी परिवार बहुत ही धार्मिक परिवार है। पूरा परिवार, इनके पुत्र वधुए, इनके बेटे और ये आप हर सामाजिक कार्यों के अंदर आगे रहते हैं। धार्मिक कार्यों के साथ साथ ये सामाजिक कार्य करना ये लौकिक और लोकोत्तर भगवान महावीर के दोनों धर्मों को फलित करता है। तो मैं कहना चाहूँगी आज इस परिवार को हम हमारे पूरे महिला शाखा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। लुधियाना से कैमरामैन हनी के साथ अरविंदर सराना की रिपोर्ट। अब बात करते हैं हास्य व्यंग की। नाटशाला की स्टेज पर कॉमेडी करने वाले राजीव ठाकुर अब जल्द ही अपना पंजाबी शो कॉमेडी हाउस लेकर आ रहे हैं। उसी की प्रमोशन के लिए अपने ही शहर में पहुंचे राजीव ने बताया कि शो में एक बार फिर अमृतसरी ही नजर आएंगे। अमृतसर शहर से कपिल शर्मा, भारती, सुदेश लहरी कॉमेडियन निकले हैं। देश के अन्य कॉमेडियन समय के साथ गायब हो गए लेकिन अमृतसर के अभी भी मुंबई में चमक रहे हैं। इसके पीछे का कारण समय के साथ खुद को बदलना है। उन्होंने बताया कि शो में शहर की नेहा किट्टू उनके शो में उनकी पत्नी बन रही है। इसके अलावा जतिंदर सूरी, गुरतेज मान, विकास सानू और शगुन जसवाल शो में दिखेंगे। शो दी पहला तो साडा परिवार ही बड़ा रौनकी है। जिहड़ा कॉमेडी हाउस है उस हाउस दे विच जिहड़े लोग ने वह बड़े रौनकी ने। सो पहला फैमिली शो होगा जिहड़ा कि तुसीं सच्ची फैमिली ने बह के देख सकोगे, जिहदे तुहानू कोई भी एक डायलॉग या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आऊगी कि तुहानू फैमिली नाल बह के तुसीं ना देख सको। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। लुधियाना से बरनाला मुख्य मार्ग पर बरनाला के कस्बा महल कलां के लोगों ने किया चिट्टे नशे के विरुद्ध में प्रभावशाली रोष मार्च। यहां पर पूरे पंजाब में 1 से लेकर 7 जुलाई तक पूरा हफ्ता मरो या विरोध करो के रूप में चिट्टे नशे के विरुद्ध में काले हफ्ते के तहत मनाया जा रहा है। वहीं बरनाला के कस्बा महल कलां में चिट्टे के विरुद्ध में काले हफ्ते के तहत कस्बा के लोगों की तरफ से एक प्रभावशाली रोष मार्च निकाला गया। इस रोष मार्च की विशेषता यही थी कि सभी पार्टियों के नुमाइंदों ने पार्टीबाजी से ऊपर उठकर अपना विशेष योगदान डाला, जो कि हमारे सोने जैसे पंजाब को खत्म हो रही जवानी को चिट्टे नशे रूपी मौत के दैन से बचाया जा सके, तो जो हमारे पंजाब का भविष्य सुनहरा हो सके। टीवी चैनलों और अखबारों के द्वारा देखा गया तो चिट्टा नशा खाकर होने वाली मौतों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो कि हमारे पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। केवल लड़के ही नहीं, लड़कियां भी इस नशे का शिकार हो रही हैं। इस रोष मार्च में सभी राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे, किसान यूनियन, सामाजिक और धार्मिक नुमाइंदे सभी ने एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर चिट्टे के विरुद्ध में आवाज उठाई। प्रोग्राम के अनुसार सभी लोग महल कलां की अनाज मंडी में इकट्ठे हुए। पार्टियों के नुमाइंदों ने अपनी अपनी हाजिरी लगवाई। उसके बाद रेड आर्ट्स पंजाब के विद्यार्थियों द्वारा नुक्कड़ नाटक पेश किया गया। उसके बाद काफिले के रूप में इलाके के मुख्य मार्केट और मेन रोड पर रोष मार्च निकाला गया। आज हल्का महल कलां के अंदर हल्के के समाज सेवी और गैरतमंद लोगों वालों जो पूरे पंजाब दे विच सोशल मीडिया के राही जिहड़ा काला दिन चिट्टे का जिहड़ा पूरे हफ्ते बारी मनाया जा रहा उहदे संबंध महल कलां विच भी अज इत्थों दे दुकानदार वीरां वालों इत्थों दे जिहड़े साडे पत्रकार भाईचारा वालों उहनां दे वड्डे सहयोग दे नाल जनतक जथेबंदियां सारे जुझारू नूं इकट्ठे हो के अज पूरा मार्च करन जा रहे ने। अज कस्बा महल कलां दे अंदर अज असीं समूह समाज सेवी जथेबंदियां वल्लों नशे विरुद्ध दित्ते सद्दे दे तहत यह जिहड़ा रोस प्रदर्शन किया। इस दे विच असीं आले दुआले दे पिंडां दे लोकां नूं बुलाया, इत्थे उहनां नूं सद्दा दित्ता सी, उह वड्डी गिणती दे विच पहुंचे भी ने। तो साडा जिहड़ा मकसद है उह लोकां नूं चिट्टे दे मारू प्रभावां खिलाफ़ अवेयर करना, उहनूं अवेयर करके इस दे खिलाफ़ लामबंद करना, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਪੀੜ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਈਏ। ਬਰਨਾਲਾ ਸੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਗਿੱਲ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। दयानंद मेडिकल कॉलेज यानी DMC को सुपर स्पेशलिटी में नंबर 1 की रैंकिंग मिली है। दयानंद मेडिकल कॉलेज को सुपर स्पेशलिटी में नंबर 1 की रैंकिंग मिली है। इस बात का खुलासा DMC के मैनेजमेंट ने एक मीटिंग करके पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा DMC के काम करने वाले वर्करों की मेहनत का नतीजा है। DMC ने पंजाब लुधियाना का नाम रोशन किया है, इसमें समूह लुधियानावासी बधाई के पात्र हैं।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ, ਨੋ ਲੋਸ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੇਸ 'ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ 35 ਫੈਮਲੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ, ਮੋਸਟਲੀ 80% ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਡੀ ਐੱਮ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਰੁਪਈਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕੈਸ਼ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਸਾਡੀ ਫਰੀ ਹੈ, ਡੀ ਐੱਮ ਸੀ ਦੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਸੀਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਫਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਐਨੀ ਓਬਵੀਅਸ ਟਾਈਪ ਉਹ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣਾ ਆਵੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਟਿਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਂਬਰੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਰਦਾਸ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਕੀ ਅਗਵਾਈ ਮੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਔਰ ਵਰਕਰੋਂ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਸਥਾਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਗੇਟ ਸੇ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨਿਕਾਲਾ ਗਿਆ, ਜਹਾਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਬੀਰ ਦਾਸ, ਪੂਰਵ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਧੀਰ ਰੱਖੜਾ ਔਰ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਮੇਂ ਸੇ ਨਸ਼ੇ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕੇ ਸਾਥ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਦੇਸ਼ ਕਾ ਭਵਿਸ਼ਯ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋ ਨਸ਼ੇ ਸੇ ਦੂਰ ਰੱਖਣੇ ਔਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਮਾਰਚ ਨਿਕਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਕਾ ਮੁਹਿੰਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਗੇਟ ਕਰੀ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਰੱਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਭਾ ਸੇ ਰਜੇਸ਼ ਬਜਾਜ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਬ ਲੇਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਮਾਚਾਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं कुछ और समाचारों की ओर। बाबा दीप सिंह क्रिकेट क्लब की ओर से युवाओं को नशे से दूर करने और उनके अंदर खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए इस उद्देश्य से ऑल इंडिया फर्स्ट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 10 से 25 जुलाई तक अमृतसर में करवाया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में 32 राज्यों की टीमें जैसे कलकत्ता, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, जयपुर, कर्नाटका, पंजाब आदि हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर जानकारी देते हुए क्लब के प्रधान रवि मिट्टू ने कहा कि टीम के रहने सहने का सारा प्रबंध क्लब की ओर से किया जाएगा। यह उनकी ओर से पहला प्रयास किया जा रहा है ताकि युवाएं खेलों के साथ जुड़े। उन्होंने कहा कि विनर टीम को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। सेमीफाइनल और फाइनल मैच डे नाइट करवाए जाएंगे। 15 दिवसीय यह मैच खालसा स्कूल, ग्लोबल इंस्टीट्यूट, श्री गुरु हरकृष्ण स्कूल, गांधी ग्राउंड और अमनदीप क्रिकेट अकेडमी में होंगे। ਆਲ ਇੰਡੀਆ T20 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਟੀਮਾਂ ਮਤਲਬ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਲੱਬ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀ ਟਰੋਫੀ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ, ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ, ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਲ ਕਲੱਬ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੇਮਾਂ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਵਿਨਰ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਨਰ ਅਪ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੱਲ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੇਮਾਂ ਵੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। केंद्र सरकार की मुहिम के तहत लुधियाना के पैराडाइज स्कूल में बच्चों को MR के इंजेक्शन लगाए गए। केंद्र सरकार की मुहिम के तहत लुधियाना के पैराडाइज स्कूल में बच्चों को MR के इंजेक्शन लगाए गए। इस मौके पर लगभग 22 बच्चों को इस इंजेक्शन का लाभ मिला। डॉक्टर ने बताया कि इस इंजेक्शन के लगाने से बच्चे रोग मुक्त रहेंगे। मैं रविंदर कौर एनम MR ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਕਿਡਸ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ, 22 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ। लुधियाना से बलवीर मल्होत्रा की रिपोर्ट। आज पूरे पंजाब में नशे के विरोध में मरो या विरोध करो बैनर तले नौजवान से लेकर महिलाएं, बच्चे नशे का विरोध करते नजर आ रहे हैं।
आज इसी विरोध को आगे बढ़ाते हुए लुधियाना में पंजाबी एक्टर और सिंगर हरभजन मान ने अपना भी विरोध दर्ज कराया। उन्होंने लुधियाना के भारतनगर चौक में नशे के विरुद्ध में बैनर पकड़कर विरोध दर्ज किया और उन्होंने कहा, जिस तरह से समूह पंजाबी नशे के विरुद्ध में उतर रहे हैं, हम सभी कलाकारों को इसमें अपना भी विरोध दर्ज करना चाहिए, क्योंकि यह नशा हमारी पंजाब की जवानी को धुन के तरीके खाए जा रहा है और हम सबका फर्ज बनता है कि इसका विरोध जोरों शोरों से करना चाहिए। इस मौके पर अलग अलग संस्थाओं से भी लोगों ने अपना विरोध दर्ज करवाया। करो या विरोध करो, जड़ा एक काला हफ्ता आज सातवां दिन पर मैं समझदा कि अज शुरुआत आ दुनिया भर के पंजाबी पहली दफ़ा मैं किसी मुद्दे ते किसी इशू ते इन्ने लामबंद हुए पहली बार देखे आ। तो मेरा ख्याल है कि हुण जद हर चीज़ साढ़े बर्दाश्त तो बहर आ, ये नशे साढ़े अज घर घर कोई ऐसा पिंड नहीं, कोई ऐसा घर नहीं जिहड़ी घर की नौजवान पीढ़ी नूं इन्हां नशियां ने नहीं मारिया। तो मैं समझदा कि असी कलाकार खास तौर पर सानू पंजाब दे लोकां ने बहुत कुछ दिता, बहुत बनाया, सानू नाम शोहरत दिती है, लेकिन अज जमीनी पद्धर ते साडा फर्ज बनता कि पंजाब लई पंजाब दी जवानी लई लड़ी जा रही इस लड़ाई दे विच असी सारे अज बाहर निकल गए, इस मुद्दे बारे बोलिए। तो होपफुली कि सारे जागण गए, जिम्मेवार लोग आ जड़े, तो रल के दा कोई हल निकलूगा जी। हाँ जी, मेरी सारे पंजाबियों नूं भैणां भरावां बजुर्गां बीबियां नूं सब नूं यह बेनती आ कि जिहड़ी इह पंजाब दे विच मुहिम चली आ, मरो जां विरोध करो, इह साडी कल्लियां दी नहीं, इह साडे समाज दी आ। क्यों जो नशा है जी, इह समाज दा कैंसर है, ते कैंसर जे शरीर दे इक अंग विच हो जावे उह सारे शरीर नूं खराब करदा है। मेरा नाम कृष्णा राणी, पिंड माछीगे, डिस्ट्रिक्ट मोगा, तो असं सारे सूल मन चौक पंजाब के मैंबर हाँ। इसलिए मैं नशा विरुद्ध ये कह रही हूँ कि इस विच सब तो वड्डा लेडीज़ का रोल हुंदा है। लेडीज़ नूं तकलीफ मिलती है, किसी का पति और भरा और किसी के मतलब बजुर्ग माता पिता नूं भी बहुत खुश हुंदी है, क्योंकि उस विच लेडीज़ का यह है कि जो मतलब नशा करता है वह तो अपनी जिंदगी तो जूझ ही रहा हुंदा है, लेकिन नाल वाली घर की नारी नूं बहुत औखा हुंदा है। इस विच उसने पति के सिर पर या किसी के भी सिर पर उसने गुजारा करना होंदा है। इसलिए मैं चाहनी हाँ कि इस नशे की हालत इस हालात को रोकया जाए और आने वाली पनीरी नूं बचाया जा सके। लुधियाना से कैमरामैन गुरदेव के साथ बलवीर मल्होत्रा की रिपोर्ट। नशे को लेकर जहां पूरा पंजाब विरोध कर रहा है, वहीं लुधियाना में आज शहीद उधम सिंह संस्था द्वारा श्रृंगार सिनेमा चौक पर नशे के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया। संस्था के कार्यकर्ताओं ने नशे विरोधी बैनर और तख्तियां लेकर आम लोगों को अवेयर करने की कोशिश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नशा पंजाब की जवानी को धीरे धीरे खत्म कर रहा है, हम एकजुट होकर शासन प्रशासन को यह मांग करनी चाहिए कि वह पंजाब से जल्द नशा खत्म करें, नहीं तो आने वाले समय में पांच दरियों की धरती कहने वाला यह पंजाब नशे का सागर न बन जाए। अज का जिहड़ा यह प्रोग्राम किया गया है, यह शहीद उधम सिंह ऑर्गेनाइजर वालों किया गया है, जो कि पिछले काफ़ी लंबे समय तो तुसीं देख रहे हो नौजवान नशे की वजह ना मरते जा रहे हैं, असी उस दे खिलाफ ये कर रहे हैं ता कि सरकार जागे, नौजवान इस दे खिलाफ है। एक दिन दे विच नोटबंदी हो सकती है, लेकिन एक हफ्ते दे विच नशा नहीं बंद हो रहा। असी पंजाब सरकार मूहरे ते प्रशासन मूहरे हाथ जोड़ के बेनती करना चाहते हैं कि इस दे उत्ते जल्दी तो जल्दी कार्रवाई की जाए, जल्द तो जल्द नशा खत्म किया जाए, ता कि साडे देश दे ते साडे शहर दे नौजवानों की जान बच सके ते इह कोड जिहड़ा खत्म हो सकते हो जी। आ एक हफ्ते दे विच कितनी मौतां हो गई हैं, प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा, प्रशासन जिहड़े ला रहे आ उन्होंने चक चक के अंदर दे जांदा, लेकिन जिहड़े मगरमच्छ आ पंजाब दे उन्होंने कोई भी नहीं फड़ रहा हैगा। आ असीं प्रशासन अगे मंग करदे आ, जे किसी इन्हां नेता दे जां इन्हां पुलिस वाले दे जां किसी दे भी इन्हां दा पुत्त नूं नशा लग्गिया होवे, जो मरे ना फिर पता लगे किसी माँ का दुख, इन्हां नूं कोई किसी चीज़ नाल लैण देण नहीं हैगा। असीं जिहड़ा यूथ आ असीं होर अगे जे चीज़ ना रुकी असीं वध चढ़ के इस दे खिलाफ़ होर प्रदर्शन करांगे। असीं प्रशासन नूं यही मांग करदे आं वी इहनूं ते जल्द तों जल्द कार्रवाई होवे। लुधियाना से कैमरामैन हनी के साथ अरविंदर सराहना की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक, मैं अभिनंदन कल फिर हाजिर होऊंगा कुछ और समाचारों के साथ। आप यूं ही देखते रहिए आत्मा चैनल। जय जिनेंद्र।